21 क्वेश्चन देखो बच्चे क्या है, कोड एंड डिकोडिंग से रिलेटेड है। आपको बताना है व्हाट इज द कोड फॉर लक्की, लक्की का कोड बताना है। पहले आपको सर्च करना है लक्की वर्ड कहाँ पर है, एक तो इस लाइन में है लक्की और एक इस लाइन में है, तो इन दोनों में चेक करो आपके पास फॉर्चुनेट एंड लक्की लिखा हुआ है और वेरी लक्की पर्सन, इसके अलावा कोई और वर्ड कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो लक्की का कोड। लक्की इधर भी है और लक्की इधर भी है, दोनों में है, तो दोनों में कौन सा कोड कॉमन आ रहा है, MU। देखो MU इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है, क्लियर समझ आ गया। तो आपका आंसर लक्की का कोड क्या आ जाएगा, MU, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास 122 क्वेश्चन, देखो इसमें आपको सिस्टम का कोड दे रखा है, नियर का कोड भी दे रखा है, आपको FROSTY का कोड बताना है। इन्होंने क्या किया, पहले थ्री लेटर्स को सेम रखा और जो लास्ट के थ्री लेटर्स है उनको रिवर्स कर दिया, तो आप भी एफ आर ओ को सेम रखोगे, एफ आर ओ वाई टी एस, आपका आंसर आ जाएगा एफ आर ओ वाई टी एस। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। किस साइड, 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया 3 किलोमीटर, फिर उसने राइट टर्न लिया 2 किलोमीटर, अगेन टेक ए राइट टर्न, फाइनली टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, और कौन से पॉइंट पे पहुंच गई, बी पॉइंट पे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपने बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बताना। ये वाली लाइन कितनी है, 5, ठीक है, और ये वाली लाइन कितनी है, 2, क्योंकि 7 वाली लेंथ वाली लाइन 2 है, सेम लेंथ है, 5 + 2 कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर, क्लियर, इजी था, किसी को कोई डाउट यहां तक। चलो नेक्स्ट वन देखो, 125, इसमें वो कह रहा है इफ द पोजिशन ऑफ फर्स्ट 6 डिजिट आर सीक्वेंस ऑफ ए नंबर इंटरचेंज सेकंड और 7 एंड सो ऑन, सेम क्वेश्चन आया होगा ये आपके पास पीपीटी में से, ठीक है। वो क्या कह रहा है हमें, फर्स्ट और सिक्स को इंटरचेंज करना है, सेकंड को 7 के साथ, ऐसी थर्ड को 8 के साथ, ऐसे इंटरचेंज करना है, ठीक है। जब आप इंटरचेंज करोगे, पहले हम नंबर लिख लेते हैं, 5317 6 8 9 2 0 4, 5317 6 8 9 2 0 4, अब आपने इनको क्या करना है, इंटरचेंज करना है, ठीक है। इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास क्या नंबर बनेगा, 8 9 2 0 4 5 3 1 7 and 6, ठीक है। अब वो कह रहा है हमें आपने क्या बताना है, 6 फ्रॉम राइट एंड, राइट मतलब इधर से, सबको पता है राइट साइड इधर से होती है काउंट करना, कौन सा नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, आंसर इज 4, ठीक है। 6 फ्रॉम राइट कौन सा नंबर आ रहा है हमारे पास, 4, क्लियर। चल नेक्स्ट वन है, ये आपका मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, देखो अशोक्स मदर वॉज 3 टाइम एज ओल्ड अशोक 5 ईयर एगो, आफ्टर 5 शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अशोक, हाउ ओल्ड अशोक टू बी, आपने अशोक की एज बतानी है, तो पहले अशोक की एज ले लोगे एक्स, ठीक है, और उसकी मदर की एज ले लोगे वाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, अशोक की मम्मा क्या है, 3 टाइम्स है उससे बड़ी 5 साल पहले, 5 ईयर है वो, 3 टाइम्स थी वो उसकी एज के, अशोक की एज के, तो 5 टाइम्स आपने क्या कर देना है, 5 टाइम्स एगो कहा हुआ है तो आपने माइनस कर देना है 5 साल पहले, तो वाई माइनस 5, उसकी मदर की एज में हमने 5 माइनस कर दिया, अशोक की एज में भी 5 माइनस कर देंगे, प्रेजेंट एज एक्स है, मतलब हमें बैक जाना है तो 5 माइनस 3 टाइम्स ही, तो 3 से मल्टीप्लाई, स्टेटमेंट आ जाएगी y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x इन माइनस 15, तो आपके पास आ जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 10, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। वो कह रहे 5 ईयर्स बाद क्या होगा, वो ट्वाइस हो जाएगी अशोक के, तो पहले 5 प्लस कर देंगे हम, 5 साल बाद कह रहे हैं, अशोक की एज में भी प्लस कर देंगे,
ठीक है, ट्वाइस हो जाएगी यानी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। उसके बाद क्या स्टेटमेंट आ जाएगी, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, देखो कैसे सोल्व करते हैं हम। थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टेन, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव। हम क्या करते हैं बच्चे, साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस कर देते हैं। यहाँ प्लस है ना, कुछ भी नहीं लिखा होता, तो माइनस का प्लस हो गया, ऐसे यहाँ पे माइनस का प्लस। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, वन माइनस वन जीरो होता है, थ्री माइनस टू वन, वन एक्स आ गया, टेन प्लस फाइव कितना आ जाएगा, फिफ्टीन। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, फिफ्टीन। और एक्स किसको लिया था हमने, अशोक की एज को, यानी अशोक की एज कितनी आ गई हमारे पास, फिफ्टीन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, आपके पास सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। सी उसके बाद ई e दिया हुआ है, टू प्लस किया हुआ है, अगेन टू प्लस, सेवन प्लस टू नाइन पर आई लेटर। सेम क्वेश्चन आपके पास पीपीटी में से आया हुआ है, ये थर्टीन प्लस टू फिफ्टीन प्लस टू सेवनटीन, सेवनटी टू प्लस नाइनटीन पर एस लेटर। ऐसी अगेन थर्ड लेटर सेम है, जस्ट आपने अभी वर्बल सीरीज चैप्टर में क्वेश्चन करके हटे हो आप। आंसर इज आई एस एस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे क्या हो रहा है। फोर्टीन इंटू कितना टू होता है, फोर्टीन इंटू टू ट्वेंटी एट। उसके बाद ट्वेंटी एट माइनस एट कितना होता है, ट्वेंटी, अगेन इंटू टू माइनस एट, इंटू टू माइनस एट कर दोगे, सिक्सटी फोर माइनस एट कितना आ जाएगा आपके पास, फिफ्टी सिक्स। समझ आया या पैटर्न लगा है, पहले इंटू टू करना है, फिर आपने माइनस एट, अगेन इंटू टू माइनस एट, तो आंसर इज फिफ्टी सिक्स। नेक्स्ट 135, ये तो बहुत सिंपल है, आपको जो ये सिंबल दिए हुए हैं इनका कोड बताना है। देखो क्या है यहाँ पर, कौन से नंबर पर है ये आपका, अच्छा हैशटैग से स्टार्ट है ना, बी, उसके बाद आपका ओ एट द रेट ए बी ओ ए, फिर आपका आ जाएगा आर बी ओ ए आर और डी बी ओ ए आर डी। ठीक है, तो 135 का आ जाएगा आपके पास सी ऑप्शन। क्लियर है सबका, हॉर्स हूफ, ठीक है, क्लो ईगल, ईगल का पंजे को बोलते हैं। ठीक है, आंसर इज सी ऑप्शन। 140th, इसका आंसर क्या आएगा, मेटल इज रिलेटेड टू कंडक्शन, तो प्लास्टिक इज रिलेटेड टू, बताओ क्या आंसर आएगा। यस, आंसर सेंड करो सभी। वेरी गुड, आंसर इज बी ऑप्शन। क्लियर, चलो किसी को डाउट पेपर में। 127 क्वेश्चन आया था, किसमें कह रहे हो, हाँ सेम क्वेश्चन आया था ये वाला 2020 पेपर में। ठीक है, ठीक है क्लास, इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी सिक्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज, कितने ऐसे सिक्स है जिनसे पहले सेवन है बट बाद में नाइन नहीं होना चाहिए। इट मीन्स यू हैव टू सर्व 76। 76 के कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, चेक करो, वन पेयर, टू पेयर और थ्री पेयर, तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर, पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।